अगर आप मुसलमान हैं और आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आधार कार्ड का प्रयोग आपको जेल भी पहुंचा सकता है। पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आधार कार्ड की बुनियाद पर मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। आइए जानते हैं कि कैसे आधार कार्ड के जरिए मुसलमानों को झूठे केस में फंसाया जाता है। तरीका नंबर एक, व्हाट्सएप लिंक। कई बार आपको व्हाट्सएप में कुछ ऐसे मैसेज प्राप्त होते हैं जिनमें फ्री रिचार्ज और फ्री मोबाइल पाने की बातें लिखी होती हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट खुल जाती है जहां पर आपसे आपके आधार और मोबाइल नंबर की जानकारियां मांगी जाती हैं। कई बार कुछ मुसलमान अनजाने में अपने आधार और मोबाइल नंबर को शेयर कर देते हैं जिनका बाद में गलत प्रयोग किया जाता है। तरीका नंबर दो, फर्जी सिम कार्ड। जब आप नया सिम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवाता है। सिम को लेने के लिए सिर्फ एक बार ही अंगूठा लगाना होता है, लेकिन कई बार दुकानदार दो बार अंगूठा लगवाकर एक फर्जी सिम निकलवा लेता है जिसे बाद में मुसलमानों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगली बार जब सिम लेने जाएं तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो आपके आधार से निकले सिम से देश विरोधी काम किए जाएं। तरीका नंबर तीन, आधार नंबर। मुसलमान आधार कार्ड को लेकर बड़े बेफिक्र हैं, यही वजह है कि वो अपना आधार नंबर किसी को भी बता देते हैं। कई बार मुसलमानों को फंसाने के लिए उनके मोबाइल पर फर्जी कॉल की जाती हैं और उन्हें तरह तरह की स्कीम का लालच देकर आधार नंबर ले लिया जाता है जिनका बाद में गलत प्रयोग होता है। आपसे गुजारिश है कि अपना आधार नंबर किसी के साथ भी शेयर न करें। आपके आधार नंबर से आपकी सभी सूचनाएं निकाली जा सकती हैं। तरीका नंबर चार, फोटोकॉपी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी का प्रयोग इन दिनों मुसलमानों को आतंकवादी गतिविधियों में फंसाने के लिए किया जा रहा है। कई बार जब आप आधार की फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो उसकी कई कॉपी दुकानदार खुद रख लेता है जिसे बाद में किसी घटना स्थल पर डालकर मुसलमान को आतंकवाद के फर्जी केस में फंसा दिया जाता है। इसलिए आधार कार्ड और अपने अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखें, आधार की फोटोकॉपी अपने सामने ही करवाएं। सभी मुसलमान सतर्क रहें और आधार कार्ड को प्रयोग करने से बचें। आधार कार्ड का वहीं इस्तेमाल करें जहां बहुत जरूरी हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारे सभी मुसलमान भाई इन बातों को जान सकें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी मुसलमान भाई की जान बच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।